रोल मॉडल और एक एग्जांपल पूरे देश के सामने सेट किया कि अपनी सैंक्टिटी, अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कैसे बचा के रखना है। और जो सच्चाई की लड़ाई थी उनके, आज उस लड़ाई की जीत हुई है कोर्ट में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों से एबीवीपी और इनके साथ हाथ मिलाए हुए बैठे हुए जो प्रशासन है संघी, ये बार बार कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जेएनयूएसयू का जो रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शन हुआ है उसको खारिज किया जाए, कितने तरीके से सबसे बड़ा हमला करके जेएनयूएसयू का जो संविधान है, जो 50 साल से ज़्यादा हमारे इलेक्शन यहाँ पे होते आ रहा है जेएनयूएसयू के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उस पर अटैक किया जाए। और ये एक सिस्टमेटिक अटैक करने की कोशिश बार बार किया है। पिछले साल हमने देखा है, जब ये लोग देख रहे थे कि साइंस स्कूल्स में इनका पूरा एक तरीके से इनको खारिज कर दिया गया, इन लोगों से वो बात हजम नहीं हुई और ये चले गए गुंडागर्दी करने, इस लेवल तक कि इलेक्शन कमेटी को पीटते हैं, अंदर घुस जाते हैं, काउंटिंग बूथ जो था उसको ये लोग हड़प लेते हैं और सोचते हैं कि बैलेट बॉक्सेस को तोड़ फोड़ करके ये लोग अपना मनमानी चलाएंगे। लेकिन वही टाइम पे वो स्टूडेंट्स यूनिटी थी जिन्होंने इसको तमाचा दे के इस एबीवीपी और संघीय प्रशासन को बोला कि आप स्टूडेंट्स यूनिटी के सामने आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आपकी संघीय एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन दूसरे तरफ सिर्फ लेफ्ट यूनिटी नहीं है, एक तरीके स्टूडेंट्स यूनिटी है। और आज जब हम ये विक्ट्री मार्च कर रहे हैं, तमाम सारे उन साथियों को मैं लाल सलाम पेश करना चाहती हूँ कि आपके स्ट्रगल के बगैर, आपकी रेजिस्टेंस और स्ट्रगल के बगैर हर दिन का ये विक्ट्री मार्च क्या, ये इलेक्शन भी पॉसिबल नहीं था। जैसे हम लोग बार बार बोल के आ रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव और डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव के तरीके से ना देखा जाए, हमारा जो रेजिस्टेंस है और स्ट्रगल है वो चुनाव तक ना सीमित रहे, ये हर दिन का स्ट्रगल है, ये हर दिन का रेजिस्टेंस है। चाहे आने वाले टाइम में जब जेएनयूएसयू की तरफ से हम लोग हॉस्टल की मुद्दा उठाए, चाहे हम लोग क्लासरूम में जो स्केयरसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका मुद्दा उठाए, चाहे गार्ड्स की मुद्दा उठाए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की मुद्दा उठाए, लाइब्रेरी फंड कट की मुद्दा उठाए, जो स्पिरिट आज हमने देखा है और पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन के दौरान देखा है, उसी स्पिरिट से हमें आने वाले एक साल में काम करना पड़ेगा और इस प्रशासन को दिखाना पड़ेगा कि बार बार जो सर्कुलर्स लाके वो मीडिया में डालते कि चंद कुछ एक्टिविस्ट है जिनको लगता है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, ये उनका जो इनका जो प्लान है इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है और बोलने की ज़रूरत है कि जेएनयू का हर एक स्टूडेंट मांगता है कि जो बजट का एडुकेशन के लिए हिस्सा होना चाहिए वो 10% होना चाहिए। जेएनयू का जो स्टूडेंट्स है वो हर कोई मानता है कि यहाँ जो शिक्षा है उसकी निजीकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर एक जो जेएनयू का स्टूडेंट है वो पिछले तबके से आते हैं, हर एक स्टूडेंट मानता है कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। 283 रुपीज़ का जो मॉडल है उसको हम लोग अपहोल्ड करेंगे आने वाले टाइम में, और हर एक किसी के लिए शिक्षा राइट होना चाहिए, प्रिविलेज के तौर में हम कभी भी इस कैंपस के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, आज यहाँ से बताना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जो संघर्ष है काफ़ी लंबी है और कठिन भी है। अगर आज हाईकोर्ट में हमारी जीत हुई है तो सिर्फ एक जीत नहीं है, आने वाले टाइम में तमाम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रुकावटें आएंगी कि जेएनयूएसयू को इस कैंपस के अंदर और स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है वो यहाँ पे कुचाला जाए, जेएनयूएसयू की वॉइसेस को दबाया जाए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमारी जो रेजिस्टेंस है वो हमारी हर एक स्टेप में दिखनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से वो हमारे आवाज़ को दबाना चाहते हैं उस रेजिस्टेंस में, चाहे वो अगर गार्ड्स को सामने करके हमें बोलते हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हमारे लाइब्रेरी फंड कट में, उसी रेजिस्टेंस में। तो इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि हमें पता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का इस कैंपस में अभी क्या हालत है, कंप्लेनेंट्स किस तरीके से डर रहे हैं अभी ICC के पास अप्रोच करने में, और बार बार कंप्लेनेंट्स के ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स दे के उनको दड़ा धमका के कोशिश किया जा रहा है जो जेंडर सेंसिटाइज कैंपस हमारे पास था उसको ख़त्म किया जाए। ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो GS कैश जैसे इंस्टीट्यूशन को एक मॉडल इंस्टीट्यूशन पूरे कंट्री के यूनिवर्सिटी स्पेसेस के लिए माना जाता था, उसको तो इन्होंने अनडेमोक्रेटिकली ख़त्म किया ही, और आने वाले टाइम में जितना भी जेंडर सेंसिटाइजेशन यहाँ पे बचा हुआ है उसको ख़त्म करने की साजिश है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे इस कैंपस में कितनी ज़रूरत है कि हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप्स करवाएं
और सिर्फ वर्कशॉप तक ही हमारी मूवमेंट खत्म ना हो जाए। हमें एक यूनाइटेड स्ट्रगल आने वाले टाइम में बिल्ड करने की ज़रूरत है हमारी जीएस कैश को वापस लाने के लिए। आप देखिए, पिछले 3 साल में हाई कोर्ट बार बार इंटरवेन करने के बावजूद ये एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्वेशन को स्कटल किए जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि आप इस तरीके से सीट कट नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो फैकल्टी पोजीशंस को यहाँ पे बढ़ाइए, उसके अंडर आप सीट्स को, आप स्टूडेंट्स को बढ़ाइए। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी हद तक जाके ये संभव इस कैंपस में नहीं कर रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आए। वो बार बार कोशिश कर रहा है जो पिछड़े तबके के लोग हैं वो सिस्टमिक तरीके से यहाँ से बाहर हो जाए। और 2017 में जो सीट कट हुआ था, 2000 सीट कट, उसमें हमने यही इसी का रिफ्लेक्शन देखा कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स थे एक झटके में उस कैंपस के अंदर से रिसर्च करने से बाहर हो गए। उसके बाद एबीवीपी के जो गुंडे हमारे साथी नजीब को पीटते हैं वो आज भी इस कैंपस में खुलेआम घूम रहे हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा, आपका, सबका, कि हम लोग ये इंश्योर करें आने वाले टाइम में कि हमारे कैंपस में जो पिछले तबके के स्टूडेंट्स आते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स आते हैं, जो माइनॉरिटी सेक्शन के स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक इक्वल स्पेस, एक इक्विटेबल स्पेस इस कैंपस में बना पाए अपने लिए। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के थ्रू हो, डिफरेंट लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी से लोग आते हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट सेल के थ्रू हो, वो यहाँ पे किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन इस कैंपस में नहीं फील करें। और आने वाले टाइम में नजीब का जो केस सीबीआई से बार बार प्रेशराइज करके ये प्रशासन और बाहर का जो गवर्नमेंट सरकार यहाँ का बैठा हुआ है क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, हमें सड़क पे उतर के फिर से ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथी है उसको ढूंढ के आपको लाना पड़ेगा। आप इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। और ये तमाम लड़ाई के साथ एक लड़ाई है साथी जो हम लोग भूल नहीं सकते, ये जो वाइस चांसलर आरएसएस का पिट्ठू यहाँ पे इस कैंपस में, उस पिंक पैलेस में बैठा हुआ है, उसके भगाने का जो हमारा कंटिन्यूसली स्ट्रगल रहा है उसको हमें क्लिंच करना होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें ये मजबूर करना होगा कि ये वाइस चांसलर इस कैंपस से हम लोग इसको बाहर उखाड़ के फेंके, क्योंकि ये बार बार इस कैंपस में रहेगा तो स्टूडेंट्स को जिस तरीके से हेकल करेगा, हैरस करेगा, और हर एक ऐसा पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करेगा कि स्टूडेंट्स इस कैंपस में, जो इंक्लूसिव इसका फैब्रिक है, जो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फैब्रिक इस कैंपस का है, वो बर्बाद हो जाए। आने वाले टाइम पे जेएनयूएसयू के तरफ से आप लोगों से यही अपील रहेगा कि जेएनयूएसयू जो भी कॉल लेगा वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल के तहत लेगा, और एक यूनाइटेड वॉइस उसमें स्टूडेंट स्ट्रगल के थ्रू सामने आना चाहिए। और जो भी लड़ाई हम लेंगे आने वाले टाइम में, हमें सबको मिलके, हम आप सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। इसके साथ अपना बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, जय भीम, लाल सलाम, जय भीम, लाल सलाम।